वांटेड कुक मास्टर चीफ फीमेल हाउसकीपिंग फीमेल एट सफिया खान पैलेस हिल व्यू डॉक्टर एम जे के एस मन्नत रामतीर्थ नगर बेलगावी डॉक्टर बिसस एम जे पठान MBBS फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए 9480398518। यस जी डेट्स एंड नेट्स ऑल टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसी शॉप चावी मार्केट गणपत गली बेलगावी में। ये शॉप के ओनर है शाबाज गोल वाले। यहाँ पर हर तरह के ड्राई फ्रूट्स आपको मिलेंगे, खजूरें मिलेंगी जो अरब कंट्रीज से, ईरान से और यमन से मंगाई गई है, जो इंसान की जिंदगी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, सेहतमंदी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आपको बिल्कुल वाजिब दामों में मिलेंगे बच्चों के चॉकलेट्स भी और हर तरह के आइटम्स जो सेहतमंदी के लिए है आपको मिलेंगे। इस शॉप पर आपका हम बेसब्री से इंतजार करेंगे, विजिट करना न भूलिए। यस जी डेट्स एंड नेट्स। आदाब, मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर। इस वक्त की अहम खबर कर्नाटका के शहर बेंगलुरु से है, जहां जुमेरात के दिन ईद उल अजहा यानी बकरी ईद पूरे हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में मनाई गई है। इसके बाद यहां बेंगलुरु में भी एक ईदगाह में ईद मनाई गई, जो बहुत ही कदीम ईदगाह है। वहां पर इस वक्त कर्नाटका के CM सिद्धरामैया जी जमीर अहमद के हमरा वहां पर ईदगाह में पहुंचे और लोगों को मुबारकबाद पेश की और अपने ख्यालात का भी इजहार किया है। और यही वो मौका है कि लोग यहाँ पर जमाते सिद्धरामैया जी को देखने के लिए भी पहुँचे। और सबसे बड़ी खासियत है कि सबको लेकर मिलजुल कर चलने वाला ये CM है और हम सबको इनका साथ देना चाहिए। जिस तरह से वो यहाँ पर पहुँचे, आइए देखते हैं वो मंजर कैसा था। हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे, हम मुत्तहिद रहे, मुत्तफिक रहे। अगर कहीं इख्तिलाफ होता है, मेरी अना को खत्म करने के जरिए इत्तेहाद हो सकता है, मैं अपनी अना को खत्म करूं। मेरी राय को अगर खत्म करूं तो उम्मत के अंदर इत्तेहाद हो सकता है, अपनी राय को मैं खत्म करूं। मेरा हाल अना को कुर्बान करना है, जज्बात को कुर्बान करना है, तमन्नाओं और ख्वाहिशात को कुर्बान करना है, इत्तेहाद और इत्तेफाक के वास्ते, उम्मत की तरक्की के वास्ते हर किस्म की कुर्बानियां हम देने के वास्ते तैयार रहे। इसी तरह हम पिछली बार जो रमजान ईद की नमाज थी, उससे पहले इलेक्शन के बड़ों पर में होने की वजह से उन्होंने नमाज को ईद के चंद बैठे नहीं आ सके। उनको मैंने खुद दावत नमा दिया, नहीं था उन्होंने खुद सामने से चल के गए। बार पिछले बार मैं नहीं आया था रमजान बकरीद ईद के लिए, मैं इस बार आना चाहता हूँ, आप कन्फर्म कर दो करके सामने से कोई चीफ मिनिस्टर मोदी आना बोल के आना बोले तो सिवे सितरा मैं के मेरे ख्याल से कोई है ही नहीं रखा। तमाम की जानिब से हमारे सिद्धराम साहब का दोबारा दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ देश के लिए बच्चे जगत के लिए एल्ला मुसलमान पर आपो होता आशीर्वाद जागरा संकेत नानो ಚ
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಇಂಡೋರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ, ಶಾಂತಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬಾರದು. खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए.